हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन आवर चैनल ट्रेंड वाला टेक। आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं, अगर आप सभी लोग अपस्टॉक के अंदर अपना एक नया डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर, तो वो आप सभी लोग कैसे कर सकते हैं। इससे आसान वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, तो पूरी वीडियो को आप लोग कम्प्लीट वॉच करिएगा अगर आप एक नया अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। और यस, अकाउंट ओपनिंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को, तो डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके आप सभी लोग सीधे इस साइट पे जाएंगे। इस साइट पे आप लोग देखोगे तो सबसे पहले आप लोगों का मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मोबाइल नंबर डालिए, इसके बाद अपनी ओटीपी आप लोगों को मोबाइल नंबर पे आएगी, वो ओटीपी भी यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। तो चलिए, मैंने मोबाइल नंबर डाला, ओटीपी मैंने यहाँ पे डाला, कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए, अगले पेज पे आपको अपना 6 डिजिट का पिन बनाना होता है, जो कि हमको लॉगिन करते टाइम भी पूछा जाता है। तो 6 डिजिट का पिन आप लोग यहाँ पे बना लीजिएगा, जो कि आपको याद रहना चाहिए। तो चलिए, हम यहाँ पे 6 डिजिट का अपना यूनिक पिन बना लेते हैं। पिन बनाने के बाद अगले पेज पे आप देखोगे, यहाँ पे आप लोगों को आपका ईमेल वेरिफिकेशन के लिए कहा जाता है। तो आप सभी लोग कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे जितने भी ईमेल्स आपके मोबाइल फ़ोन में रहेंगे वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। सिक्योरिटी रीज़न की वजह से मैं इसको हाइड कर रहा हूँ। इसमें से कोई एक ईमेल सेलेक्ट करके आप उसको कन्फर्म कर देंगे तो ये वाला ईमेल आपके साथ अकाउंट के साथ बाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक ईमेल सेलेक्ट किया, उसको यहाँ पे कन्फर्म कर दिया। अगले पेज पे देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने के लिए कहा जा रहा है, पैन कार्ड और आधार कार्ड, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स हैं। तो मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया। इसके बाद देखेंगे आप तो पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे पूछ रहा है, पैन कार्ड का नंबर और डेट ऑफ बर्थ, ये दो चीज़ें हम यहाँ पे डालेंगे। नेक्स्ट पे नीचे ऑप्शन दिया गया है नेक्स्ट का, तो वो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो चलिए, पैन कार्ड नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हमने ये डिटेल डाला, इसके बाद देखिए कुछ पर्सनल डिटेल पे पूछा जा रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज़ योर जेंडर, सबसे पहले पूछ रहा है आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल जो भी है आप कर लीजिए। मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, इसके बाद आपकी इनकम रेंज क्या है वो आप लोग डाल दीजिए यहाँ पे, बिलो 1 लाख, 1 लाख टू 5 लाख, जो भी आप रेंज में आते हैं। इसके बाद थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे पूछेगा कि आपकी ट्रेनिंग एक्सपीरियंस कितनी है, तो आप नील कर दीजिएगा, 0 एक्सपीरियंस कर दीजिएगा, या फिर 2-4-5 साल जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो डाल दीजिएगा। इसके बाद आपसे आपका पेशा पूछा जाता है, ये सेम पेज पर ही रहता है, मैं स्क्रोल कर रहा हूँ। पेशा में आप लोग प्राइवेट सेक्टर या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पे तीनों ऑप्शन यस पे रहते हैं, तो आपको यस पे ही रखना है एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए नीचे ऑप्शन आएगा आपको यहाँ पे कंटिन्यू का, ठीक है। लेकिन जो ब्लू टिक वाला ऑप्शन है उसको टिक कर लीजिएगा एंड इसके बाद आगे बढ़ चलिएगा, ठीक है। और आप लोग को आगे क्लिक करने के बाद आपका कुछ एड्रेस यहाँ पे आएगा, तो एड्रेस को भी आप लोग यहाँ पे यस दिस डिटेल आर करेक्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अगर वो सही नहीं है तो नो आई वांट टू एडिट पे क्लिक करके आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। तो कुछ पर्सनल डिटेल रहती है जो कि आप लोग इजीली इसको फिलअप कर लोगे और बाद में आपका एड्रेस आएगा तो उसको आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए, आप लोगों से आपका सिग्नेचर पूछा जाता है, जो कि आप लोगों को इस स्क्रीन पर ही करना होता है। तो स्क्रीन के ऊपर आप सभी लोग अपनी उंगली से यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा एंड कंटिन्यू क्लिक करके यहाँ पर आगे बढ़ चलिएगा। आगे यहाँ पर देखिए, आप लोगों को ऑप्शन आएगा टेक ए फोटो का, तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद आप लोगों को अपनी एक सेल्फी यहाँ पे अपलोड कर देनी है। परमिशन मांग रहा है, परमिशन का अलाउ कर देंगे, गॉट इट पे क्लिक कर देंगे एंड अपना एक सेल्फी यहाँ पे अपलोड कर देंगे। एंड सेल्फी अपलोड करने के बाद जो है इसको एक्सेप्ट पे क्लिक करना है एंड आगे चलना है। आप लोग को सेल्फी यहाँ पे अपलोड कर लेना है, तो हमारा यहाँ पे सिग्नेचर और सेल्फी हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। तो हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और आगे चलते हैं, क्या डॉक्यूमेंट और पूछ रहा है देख लेते हैं। अगले पेज पे हमको देखें, यहाँ पे बैंक डिटेल पूछ रहा है, तो बैंक डिटेल में सबसे पहले यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नेम, आईएफएससी कोड नीचे डालना है आपको, बैंक अकाउंट नंबर, री इंटर बैंक अकाउंट एंड फिर आप लोगों को यहाँ पे अकाउंट टाइप सेलेक्ट करना है, सेविंग है या फिर करेंट है, एंड जो भी आपका अकाउंट जिस टाइप का है वो सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे एंड आगे बढ़ चलेंगे। तो आपका बैंक वेरीफाई हो जाएगा, यहीं से आप सभी लोग पैसे विड्रॉ और ऐड करेंगे। इसके बाद ये पूछ रहा है ब्रोकरेज प्लान, तो आप लोग यहाँ पे आगे बढ़ चलेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो आपको आ रहा है सेगमेंट एक्टिवेशन के लिए, तो अगर आप सभी लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन यानी FNO सेगमेंट एक्टिवेट करना चाहते हैं तो यस एक्टिव FNO सेगमेंट पे क्लिक करिएगा एंड यहाँ पे आप लोगों को इनकम प्रूफ अपलोड करना होता है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो नो आई विल डू इट लेटर पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप FNO में ट्रेड करना चाहते हैं तो यस एक्टिवेट दिस सेगमेंट पे क्लिक करके आप सभी लोग यहाँ पे अपना इनकम प्रूफ वेरीफाई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं अगर आप इनकम प्रूफ वेरीफाई करके FNO सेगमेंट एक्टिवेट करना चाहते हैं। आप लोग यहाँ पे बैंक का 6 मंथ का स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं या फिर ITR अपना ITR की कॉपी अपनी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, सैलरी स्लिप अपना अपलोड कर सकते हैं। तो आपको अगर FNO सेगमेंट एक्टिवेट करना है तो कोई भी यहाँ पे
आप लोग यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करिएगा। मैं यहाँ पे 6 मंथ का स्टेटमेंट अपलोड कर रहा हूँ और उसके साथ एक पासवर्ड भी है हमारे PDF पे, तो वो पासवर्ड भी मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। आप लोगों के अगर PDF में पासवर्ड नहीं होगा तो आपसे पासवर्ड भी ये नहीं पूछेगा, ठीक है। तो आप सभी लोग चाहे तो अपने बैंक का 6 मंथ का स्टेटमेंट भी अपलोड कर सकते हैं और पासवर्ड डाल के अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये चीज़ें कर लेता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ के यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अपने फाइल को जो हमने अपलोड किया है उसको हम ओपन करके देख भी सकते हैं कि हमने क्या अपलोड किया है स्टेटमेंट में। तो हम आगे बढ़ चलते हैं। इसके बाद देखिए अगले पेज पे आपसे कह रहा है कि आप लोग यहाँ पे नॉमिनी ऐड करिए, यानी अगर आपको कुछ हो गया तो आपके शेयर और आपके पैसे जो है वो किसे मिले। तो अगर आप चाहें तो ऐड नॉमिनी पे क्लिक करके नॉमिनी अभी ऐड कर सकते हैं, या फिर आई विल डू इट लेटर पे क्लिक करके इसको भी बाद में ऐड कर सकते हैं। तो नॉमिनी आप लोग बाद में ऐड करिएगा, मैं यहाँ पे स्किप करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ई साइन योर एप्लीकेशन का ऑप्शन आ रहा है, यानी जो एप्लीकेशन हमने अभी तक भरा है उसके ऊपर हमें डिजिटली साइन करना होगा आधार कार्ड OTP की मदद से। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया एंड अब हम एक पेज पे जाएंगे जहाँ पे हमको ई साइन नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा। ई साइन नाउ पे हमको यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है एंड यहाँ पे देखिए हमारा फॉर्म पूरा रेडी हो चुका है, जिसको हम यहाँ पे अपना चाहे तो देख भी सकते हैं। प्रॉफिट टू ई साइन पे क्लिक करके हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हमारा फॉर्म भी हम चाहे तो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि हमने कौन कौन सी डिटेल यहाँ पे भरी है। साइन नाउ पे मैं क्लिक करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ और अगले पेज पे हमारा जो है हमसे आधार कार्ड पूछा जाएगा NFDL की साइट पे। तो हम सबसे पहले टिक वाले ऑप्शन को टिक कर लेंगे, ऊपर एक टिक का ऑप्शन है तो उसको हम टिक करने के बाद जो है अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे एंड सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, जिसके बाद हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो भी आधार कार्ड के साथ लिंक है उसके ऊपर एक OTP आएगा और वो OTP हम यहाँ पे डाल के वेरीफाई करेंगे OTP को, ठीक है। तो हमारा जो है फॉर्म वो डिजिटली साइन हो गया है हमारे घर बैठे बिठाए, हमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो हमारा जो पूरा फॉर्म था हमने उसको डिजिटली अब साइन भी कर दिया ऑनलाइन भरने के बाद। तो देखेंगे अगले पेज पे आपको मैसेज वगैरह आ जाएगा आप लोग देखोगे तो, एंड हमारा साइनअप भी यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुल हो चुका है। और आप देखोगे हमारा एप्लीकेशन भी अब सबमिट हो चुका है। अब ये एप्लीकेशन सबमिट हो गया है, ये 3 दिन का टाइम लेता है, तो जिस दिन आपने भरा है 3 दिन तक वेट करिए, इसके बाद अपना लॉगिन वगैरह करके ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।